वेलकम फ्रेंड्स, ऋषिराज गेमिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और देखो आज हम क्या करने वाले हैं, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक चीज दिखाता हूँ गाइस, ये देखो गाइस, ये हमने पूरा मेटल का आर्मर बना लिया अपने लिए। ये काफी मतलब सस्ता था एक्चुअली, इसको हम बना सकते थे, इसमें ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लगते। पता नहीं मैंने अभी तक क्यों नहीं बनाया था। अच्छा लगता है ये, काफी कूल लगता है। और ये हमें Y1 से मिला था, Y1 डिफीट करने की वजह से, तो खैर अच्छा है। और मैं आपको ये दिखाता हूँ गाइस, इसको हम मतलब इसको गिराने वाले हैं। देखो मुझे पता चला ये भी कैनन से गिरता है। ओके गाइस, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ट्रैप सेट करेंगे गाइस। ओके तो फट से मैं ट्रैप सेट करता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो ट्रैप इसका कैसे सेट करते हैं, मैं चिंटू को लेके आया हूँ अपने साथ, और इसके साथ कुछ डायनोगेट्स भी लेके आया हूँ। तो मैं यार इतने तो मैं नहीं उठा पाऊंगा, देखो तो दो दो तीन तीन करके ले जाने पड़ेंगे भाई, मेरे पास तो इतना है ही नहीं, कुछ सिस्टम ही नहीं है। चलो लेट्स होप गाइस कि वो निकले नहीं यहाँ से। और मैं यहाँ पर अपना वो लगा देता हूँ फाउंडेशन, एक मैं फाउंडेशन बनाया नहीं हूँ, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं एक मिनट में बना लूँगा, उसमें कोई समस्या वाली ऐसी बात नहीं है। मस्त अभी फाउंडेशन बनाता हूँ, वुड का फाउंडेशन होता है, अभी बना लेना वो। चलो देखो सिर्फ एक छोटा सा फाउंडेशन चाहिए जो कि मैं यहाँ सेट कर पाऊँ। ओके गाइस, तो मैं ज़रा सा फाउंडेशन बनाता हूँ भाई, हम बनाएंगे बूट का फाउंडेशन। ये बन गया, क्या बात है। अब मैं लगाऊंगा इस पर कैनन। अरे भाई कैनन दे दे मेरे को एक। ओके फाइन, हमने कैनन उठा लिया है। और बेस पर पड़ा है मेरा क्या, इसके जो गोले हैं ना वो बेस पर पड़े हैं, तो मैं क्या कर दूंगा इसमें अभी उसको भी लेके आता हूँ, पहले मैं इसको प्लेस कर दूँ जरा। तो ये हो गया हमारा कैनन आई थिंक प्लेस, मतलब ठीक है डिसेंट प्लेस है, देखते हैं कहीं पड़ेगा तो ठीक है, इसमें नहीं तो। और अच्छा गाइस एक और चीज़, इसका क्या हेल्थ बहुत जल्दी डाउन होता है। और देखो मैं बताता हूँ, ये 130 लेवल का है ना, इसका हेल्थ बहुत कम है, और 1000 के आसपास हम इसे डैमेज देंगे हर कैनन बुलेट के साथ। तो उसके लिए हमें ना थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा कि ये कहीं मर ना जाए, तो इसके लिए हम कुछ करेंगे गाइस। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। मेरे को लगता है गाइस ये छोटा है ट्रैप, एक्चुअली ये इसके लिए नहीं है, मेरे को पक्का श्योर है कि भाई ये इसमें नहीं आने वाला। तो मैं एज अ सेफ्टी थोड़े से और लगा देता हूँ दो तीन, तो भाई अगर बाई चांस वो इतना बड़ा हुआ कि वो यहीं कहीं फंस गया, आके इधर आ ही नहीं पाया, निकल विकल ना जाए, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ। लगे भाई थोड़े ज़्यादा बना लेते हैं, कोई समस्या वाली ऐसी बात नहीं है, ये तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा बना ही लेते हैं। एक यहाँ लगा लेते सेफ्टी के लिए, एक यहाँ और एक आई थिंक यहाँ। ओके गाइस नाउ अब ठीक है, अब मुझे लगता है वो यहाँ आराम से आ जाएगा, इसके लिए काफ़ी स्पेस छोड़ दिया है मैंने। और हम इधर पीछे आके दो डायनोगेट्स और लगा देंगे, तो इससे वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है गाइस, चलो मैं कैनन बुलेट लेके आता हूँ फास्ट, जल्दी से जितनी जल्दी हो सकता है मैं आता हूँ लेके। गाइस जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ वो बेल वाला आइकन भी दबाओ ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो गाइज हमने अपना सेटअप कर लिया है, वहाँ पीछे मैंने वो कैनन भी लगा दिया, आई डोंट नो कि वो काम करेगी कि नहीं सही से, और लेट्स सी गाइज, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ और सेटअप भी बना लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है इसका। तो हम इसे एक बार डैमेज देके देखते हैं कि ये हमारे पीछे आता है कि नहीं। आता है, आजा मेरे भाई, आजा, बिल्कुल मैं इसके इंतज़ार में हूँ, आजा भाई तू, आजा, गुड। ये एग्रो छोड़ देता है क्या? हाँ बहुत जल्दी एग्रो हटा देता है गाइस, तो मुझे इसका एग्रो बड़ा मुश्किल में गाइस, बहुत टेंशन होने वाला है इसके एग्रो के लिए, मेरे को ना इसे खाना पड़ेगा। आजा मेरे भाई, 400 का डैमेज दे रहा है ये, मैं ऐसा कोई खास डैमेज नहीं है, आजा यार, कहते ही गधा है ये, तो बहुत गधा है, सीरियसली बहुत गधा है। आई डोंट नो आ जाए ना, अबे यार बहुत गधा है ये, तो बहुत गधा है मेरे को ना, आउल लेके आना पड़ेगा अपना, नहीं तो बहुत इशू हो जाएगा गाइस। और बहुत ही स्लो है एक्चुअली ये गाइस, मैं पता मेरे को तो नहीं लगता कि ये इसमें ट्रैप में जाने वाला है, क्योंकि बहुत छोटा ट्रैप है यार ये, तो बहुत ही ज्यादा बड़े साइज का है एक्चुअली गाइस, मुझे नहीं लगता ये जाने वाला है किसी भी कीमत पर। मैंने सारे से ट्रैप कर लिया, आई डोंट नो कि ये काम कर रहा है कि नहीं,
और मैं तो बस लगाए जा रहा हूँ कि शायद ये ट्रैप कर लिया हमने, शायद से, आई डोंट नो एक्चुअली, पर आई थिंक मैंने इसे ट्रैप कर लिया। मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब होगा अगर ये ट्रैप हो गया। गाइस एक्चुअली ट्रैप हो गया ये, हाँ एक्चुअली ट्रैप हो गया। तो मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से और हम इसे हिट करने की कोशिश करते हैं अगर ये होता है तो। सबसे पहले तो मैं इसे इससे हिट करूँगा ताकि ये इस तरफ फेस कर ले, और मैं इसका थोड़ा सा एम पहले सुधार लेता हूँ। एम अप करो इसका थोड़ा सा, और थोड़ा सा और अप करो। ओके फाइन, हाँ इसे लगा। अब ये थोड़ा सा घूमेगा, आई डोंट नो एक्चुअली घूमने वाला है कि नहीं है। भाई घूम जा थोड़ा सा, थोड़ा सा घूम जा यार। अबे यार ये किस तरफ देख रहा है, मुझे लगता है यार हमने गलती जगह सेट कर दिया कुछ। चलो अब इसके घूमने का हम वेट करते हैं इस पे। ओके वन इटर्निटी लेटर, गाइस ये देखो अब इसे शायद पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो एक्चुअली इसे पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये बड़ी मुश्किल में इस तरफ आया है एक बार, हाँ ये पढ़ा इसे, गुड। आई डोंट नो ये भी पढ़ा इसे, ये भी पढ़ाई से, ये भी पढ़ाई से, ये भी पढ़ाई से। क्या बात है गाइस, अगर ये ऐसे गल लगते रहे तो शायद ये टेम हो जाएगा। हाँ ये भी लगा इसे, ये भी लगा इसे। भाई थोड़ा और रुक जा, थोड़ा और, अरे नहीं लगा, ये नहीं लगा। भाई थोड़ा सा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। अरे यार मेरे, हाँ ये लगा इसे, ये भी लगा इसे। भाई भाई एक और खा ले, बस एक और खा ले। ओ गया 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 भाई, गाइस हमने इसे गिरा लिया। मतलब भाई यार इसको टेम करने में कितना ही टाइम लगा, मैं क्या ही बोलूँगा आपको गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम। भाई इसको इन्वेंट्री एक्सेस कर लूँ बस मैं एक बार, और मेरे पास प्राइम क्रिस्टल पड़ा है क्या, हाँ ये पड़ा है भाई, ये तो खा। और हो गया टेम, क्या बात है गाइस, क्या बात है। तो ये देखो भाई, मतलब जाइगेंट तो सूरज से भी ज़्यादा ही बड़ा है। मतलब ये कितना बड़ा है गाइस, कितना ज़्यादा बड़ा है। क्या हम इस पर ऐसी राइड कर सकते हैं क्या, मेरे को पता नहीं है। पर इस पर शायद सैडल, क्यूब सैडल, ओके फाइन। तो गाइस हमें इसके लिए सैडल बनानी पड़ेगी, तो मैं इसे अभी यहीं छोड़ के जाता हूँ। सबसे पहले मैं सैडल बना के लाता हूँ, शायद ये सही लगेगा। मतलब नहीं, एक काम करते हैं, हम इसको लेके चलते हैं अपने बेस पर, वहीं से सैडल वैडल पहनाएंगे गाइस। और ये सेटअप भी मैं यहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पॉन होते हैं ये, मेरे को थोड़ा सा वैसे ही बड़ा करना है, गंदा सेटअप है ये, तो इसको ले जाके करूँगा भी क्या। तो गाइस अब हम चलते हैं सीधे बेस पर, और मैं इसको जरा वो करके देखता हूँ, मैं जरा इसको राइड करके देखता हूँ कि कैसा बंदा है भाई, मज़ा आएगा गाइस। चलो चलते हैं हम जल्दी से। तो गाइस हमने शेडल भी बना लिए, और हम क्या करेंगे, हम इसे जल्दी से पानी में मतलब वो चला के देखते हैं जरा कि ये कैसा चलता है, कैसा दिखता है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पर ही इसको निकालता हूँ हमारे इससे, ओके ये है, तो मुझे इसे क्यूब करना है। अरे शेडो बनाई, पता नहीं इसकी है कि नहीं, काम करेगी आई थिंक। हाँ ये भाई तो क्या जाइगेंट है एक्चुअली, जाइगेंट इसकी फोट। ओके फाइन गाइस, इसकी हेल्थ कुछ ज़्यादा नहीं है तो हमें इसके लिए बहुत वर्क करना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसे शेडल पहनाते हैं पहले तो भाई। ये देखो, ये देखो आपने कितना बड़ा है ये। मतलब आप ये देखो, ये है वो क्या बोलते हैं इसको, इंडोमिनस रेक्स, उन्हें ये तो चाय वो है, सॉरी ये गीगा है। और गीगा के सामने देखो आप इसकी, इसकी वो देखो जरा आप इसकी हाइट वाइट देखो भाई, कितनी ज़्यादा है ये, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है ये, काफ़ी। ये देखो कितना बड़ा है ना गाइस। और इसके ऊपर हम बेस भी बना सकते हैं, पता है हम चलता फिरता बेस बना सकते हैं। पर हाँ थोड़ा सा स्लो है, आई नो वेरी स्लो है, इट्स ओके गाइस, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस हम इसे सीधे पानी में लेके चलते हैं और देखते हैं एक बार ये किसी काम का भी है कि नहीं, कि पता नहीं इसका वैसे अटैक कौन कौन से, जरा हम एक बार चेक करें। ओके तो हम इसके अटैक चेक करते हैं। एक तो ये जो लेफ्ट क्लिक से है ये कुछ करता है, अच्छा ये बाइट अटैक ही है इसका। और राइट क्लिक से कुछ करता है क्या, तो राइट क्लिक से तो कुछ भी नहीं कर रहा है।
भाई ये क्या चीज़ है भाई, ये कुछ तो कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, हवा फेंक रहा है क्या मुँह से? अच्छा ये हवा सा कुछ तो फेंक रहा है, आप समझ रहे हो उसका कि क्या करना चाह रहा है ये? भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं। अच्छा सी से कुछ करता है क्या? सी से कुछ करता है, एक्स से, कंट्रोल से, कुछ भी नहीं करता। ओके गाइस तो हम सीधे चलते हैं पानी के अंदर, अब देखते हैं भाई ये बंदा है क्या चीज़ और ये करता क्या है। बड़ा तो काफ़ी लग रहा है और मतलब सही है, इसकी शेडल वेडल भी ठीक ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। पता नहीं मुझे लगता है ये पानी के अंदर तैरेगा या चलेगा, मतलब ऐसे जमीन जमीन पे चलता है, मुझे तो पता भी नहीं। वैसे तो कछुआ है ये, बड़ा कछुआ, मतलब जाइगेंट कछुआ बोल सकते हैं हम इसको, टर्टल। तो आई थिंक स्विम भी कर सकता है ये, तो वो तो मेरे को चेक ही करना पड़ेगा। भाई पानी के अंदर तो घुस गया, ओके हाँ तो ये स्विम करता है एक्चुअली ये। ओके तो ये क्या अंदर जाता है क्या? अंदर अंदर तो ये आई थिंक नहीं जाता, कैसे पानी के ऊपर हम तैर सकते हैं? पानी के अंदर नहीं जाता क्या ये? तो पानी के अंदर भी तो चल, पानी के अंदर इसे कैसे लेके जाऊंगे? अच्छा सी से जाता है, ओके फाइन, तो हम पानी के अंदर सी से जा सकते हैं। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेरी गिर रही है काफी ज्यादा, ओके। अच्छा तो गाइस ये क्या करता है, अगर वो हम राइट क्लिक करते हैं तो ये हमें ऑक्सीजन दे देता है पानी के अंदर भी, ओके ये कुछ सही है। और सी से, अच्छा सी से तो नीचे जाते ही है ये, एक्स से कुछ नहीं करता, कंट्रोल से भी कुछ नहीं करता। आप जैसे मेरी आप ऑक्सीजन देखो, अगर आप देखोगे ना तो कम हो रही है, ओके तो शायद ये अपने आप ही दे ही देता है, मतलब हम कुछ भी ना करें ना तो भी हमको ऑक्सीजन देता रहता है कंटिन्यू, आई डोंट नो एक्चुअली, पर शायद से। देखो मेरा ऑक्सीजन अभी तक नीचे गिरा नहीं है बिल्कुल भी, हाँ देखो एक्चुअली उसका बार भी जा रहा है बार बार, तो मतलब ये हमें कंटिन्यू ऑक्सीजन देता रहता है, ओके ये कुछ अच्छा है और अलग भी है, मतलब ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है वो भी अनलिमिटेड। ये क्या है इसका अटैक, ये यार मेरे को पता नहीं है, पर ये कुछ तो करता है भाई, काफी अच्छा है ये अटैक भी। चलो हम तो पानी के ऊपर चलते हैं हाल फिलहाल। तो गाइस हमने एक और जाइगेंटो डायनो को टेम कर लिया, तो अब हम चलते हैं गाइस। मैं एक और मतलब एनिमल को टेम करना है, वो उड़ने वाला कोई क्रीचर है, मतलब उड़ता है वो, ओके पता नहीं उसके पीछे कुछ रॉकेट शेडल लग जाता है, मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखा था, मेरे को पता नहीं है कि उसको टेम कैसे करते हैं। मैंने पता है मैंने उसको कई बार टेम करने की कोशिश की, उस पर एक तो वो पैसिव है, पैसिवली टेम होता है, मतलब उसे हम नॉक करके टेम नहीं कर सकते, ओके और पैसिव भी वो कुछ भी नहीं खाता, मैंने उसको सब कुछ खिला के देख लिया, भाई वो खाते ही नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं आता। मैं उसको दिखाऊंगा, अच्छा मैं चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि वो कौन सा वाला वो डायनो है। मैं चलो मेरा चिंटू कहाँ है, मैं आपको चिंटू के साथ लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस वाले डायनो की बात कर रहा हूँ गाइस, और मेरे को बताना आप अगर आपको पता हो तो मतलब कि क्या खाता है या फिर उसको टेम कैसे करते हैं, मेरे को बताना है गाइस। मैं काफ़ी उसको समझने की कोशिश किया लेकिन समझ आया नहीं वो मुझे। देखो यहीं कहीं हो, ये देखो यही है, मैं बोला ना ये रहा, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है। ये जो है बंदा, एक मिनट, क्या हमारे पास गेट्स हैं? ओके हमारे पास चार गेट्स हैं, तो गाइस हम इसे ना ट्रैप कर सकते हैं। ओके तो हमें क्या चाहिए, थोड़े से स्टोन के और चीजें चाहिए, मतलब स्टोन के हमें क्या चाहिए, स्टोन का हमें अगर एक पिलर मिल जाए ना तो आई थिंक हम इसे मतलब ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे गिरा दूंगा और गिराने के बाद इसके आसपास वो लगा दूंगा, ट्रैप सेट कर दूंगा, तो कोई इशू नहीं होगा। हाँ गाइस एक्चुअली तो मुझे ये करके एक बार देखना चाहिए। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से वो बना लेता हूँ अपने, इसके पिलर बना के फिर मिलता हूँ गाइस आपसे। मैं आपको बताता हूँ ये तो यही रहने वाला है, अभी वैसे भी नहीं जाने वाला, मैं जल्दी से बनाता हूँ पिलर। तो गाइस हमने बना तो लिया है, एक बार देखता हूँ मैं इसे कि मैं इसे ट्रैप कर पाऊंगा कि नहीं। तो ट्रैप कर लेते हैं फर्स्ट, हम इसे ट्रैप करते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ओके इसको मैं थोड़ा सा आगे आने देता हूँ, शायद हम इसे फिर ट्रैप कर पाए। तो फाइन आई थिंक ये जगह काफ़ी सही है, हाँ ओके नो इशू। अब मैं क्या करता हूँ, ये जल्दी से जल्दी ट्रैप सेट करता हूँ, ये वाले प्लेस करता हूँ
देखो एक तो ये प्लेस हो गया, थोड़ा पास में ही करूँगा मैं इसके ताकि ये भाग ना पाए, एक प्लेस हो गया ओके। और दूसरा भी हम इसी से इसी के साथ ऐसे प्लेस करेंगे, आई होप कि ये नहीं निकलेगा। देखो तो मैंने सेटअप तो सही किया है वैसे, तो निकलना तो नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ब्लास्टिक टरेंट लगाऊंगा। मुझे पता चला है कि ब्लास्टिक वो जो टरेंट होता है ना कुछ टाइप का, उससे शायद ये मतलब गिर जाता है, तो मेरे को वो भी देखना पड़ेगा गाइस। तो गाइस हमने वो प्लास्टिक करंट वगैरह बना लिए, और यार बहुत मुश्किल है, और मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा यार मैं इसको कैसे उठाऊं। ये तो भाई अभी तक ऐसे सोया पड़ा है कि मैं क्या ही बताऊं। चलो खैर ये भी अच्छा है हमारे लिए, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप सेट कर लेता हूँ कि भाई क्या क्या चाहिए। देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर ठीक रहेगा करंट, यहाँ इस लोकेशन पे आई थिंक सही रहेगा। मैं थोड़ा पास में ही बना देता हूँ यहाँ पर, तो थोड़े मेरे निशाने बहुत ही ख़राब हैं मुझे पता है, आई नो। तो मैं भाई इससे एक तो ये ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ। मैंने 20 बनाए हैं चेन बोला, इनमें भी कुछ ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा बहुत मटेरियल लगता है, बड़े आसानी से बन जाते हैं अभी। तो भाई मैं यहाँ लगाऊंगा ओके फाइन, और एक लगाऊंगा यहाँ, और अब यहाँ लगाऊंगा मैं इस टरेंट को। तो यहाँ अरे भाई ये तो काफ़ी बड़ी होती है एक्चुअली गाइस, तो बहुत बड़ी होती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा कुछ है इसका ओके। अरे ये तो काफ़ी आसान रहेगा हमारे लिए इससे निशाना लगाना। हाँ तो चलो मैं थोड़े से इसमें चेन बोला डाल लेता हूँ। भाई हम कितने उठा सकते हैं एक बार में, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि हम इससे कितने उठा सकते हैं, पर फिर भी मैं देखता हूँ भाई मेरा वेट ओके फाइन, हम इतने उठा सकते हैं, मैंने 10 तो उठा ही लिए, चलो खैर ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसमें डाल देता हूँ ठीक है। तो अब हम इससे चला सकते हैं अपना ब्लास्टिक टरेंट, बस अब मेरे को वेट है इसके उठने का। जैसे ही उठ जाता है ना गाइस, तो हम इसे बहुत आसानी से गिरा देंगे। अरे बहुत स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो है गाइस। और इसको क्या चाहिए, रॉ मटन चाहिए एक, मेरे पास काफ़ी पड़ा है, मेरे पास काफ़ी रॉ मटन है, मेरे पास रॉ मटन है। अरे रॉ मटन कहाँ गया मेरा, अब यार यही तो है बस। अच्छा है ना, ये रहा मेरा रॉ मटन। मैं भी यार पता नहीं कहाँ देख रहा हूँ आजकल गाइस, सही बता रहा हूँ। तो चलो गाइस हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसको उठने का, फिर देखते हैं गाइस। 2000 years later. तो गाइस आई थिंक ये होने वाला है, और यार मेरे को कोई परेशान कर रहा है, डोंट नो कौन है ये अजीब सा, और ये हमारा उठने वाला है, बस किसी भी टाइम उठ जाएगा ये, और हम इसे तुरंत टरंट में बांध देंगे। उठ जा मेरे भाई, उठ जा उठ जा, जल्दी उठ जा। एक तो मेरे को ये चिड़िया परेशान कर रही है ऊपर यार। मेरे को इसको एक बार टरंट कर लेने दो, हाँ हाँ ओके हाँ। भाई इसको कैसे खिलाते हैं, ओ हो गया क्या टीम एक्सेस, ओ हाँ गाइस हो गया दैट्स इट गाइस, हो गया टीम ही हो गया ये तो। भाई तू हमला किया कर ना, तेरे को समस्या क्या है, न्यूट्रल कर ना हमला। तो गाइस ये हमने टेम कर लिया, और ये 29 लेवल का हुआ, आई नो। अबे यार इसका अपना ही अलग चल रहा है फालतू, मतलब मर गया ना अभी बेमतलब में। तो हम मुझे ना इसको तो सबसे पहले हम वो कर लेते हैं, और इसका मैं सैडल वेडल बनाता हूँ, और अब चलते। पता नहीं इसका नाम क्या अजीब सा, मैं तो इसका नाम ही नहीं समझ पाया, और मैं यही रहने दूंगा इसको भी, टरंट को भी अपने। चल हट बेवकूफ कहीं का, मैं टरंट उठा लूँ क्या गाइस अपने, मैं इसे उठा सकता हूँ, मतलब उठा सकता हूँ क्या। मैं इसे उठा नहीं सकता, मैं इसे सिर्फ तोड़ सकता हूँ कि गाइस तो हम इसे नहीं उठा सकते, दैट्स सो बैड। कोई बात नहीं गाइस, हम चलते अपने बेस पर, इसकी शेडल बनाते हैं गाइस, शेडल का पता चलेगा मेरे को, तो शेडल देखते हैं गाइस, जल्दी चलता हूँ मैं बेस पर। तो गाइस इसमें शेडल की क्या ज़रूरत है, हम तो ऐसे ही बैठ सकते हैं इस पर, ये देखो जरा मेरे तो डायरेक्ट आ रहा है ना इसमें ऑप्शन, ये तो डायरेक्ट भी तो बैठ ही सकते हैं ना, तो क्या समस्या है इसकी। पर ये तो बहुत स्लो है,
टैपीजारा लग रहा है एक्चुअली ये टैपी, हाँ टैपीजारा ही लग रहा है मुझे ये, बिल्कुल टैपीजारा जैसा सिस्टम है इसका। अगर आपने टैपीजारा नहीं देखा हो तो आपको तो नहीं पता होगा, ये 360 उड़ सकता है, देखो आगे भी पीछे भी ऐसे दाएं भी बाएं भी, तो सेम ही उसकी आवाज भी मुझे वैसे ही लग रही है। एक सेकंड रुको जरा, क्या ये यहाँ पे ऐसे चिपक सकता है क्या? नहीं 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 ओके, तो ये थोड़ा सा अलग है, पर इसमें क्या अलग है, इसकी शेडल भी बनती है। चलो मैं इसकी शेडल भी बना लेता हूँ, भाई शेडल की क्या जरूरत है यार जब हम इस पर ऐसे ही बैठ सकते हैं, तो भाई शेडल कौन लगाएगा, जी पागलपन है। चलो लेकिन मैं बना लेता हूँ फिर भी इसकी शेडल, तो गाइस मैं बनाता हूँ एक मिनट शेडल। अब मैं इसे पहना देता हूँ, ज़्यादा कुछ मटेरियल इसमें भी नहीं लगता, बहुत ईजीली बन जाती है। चलो दो लेवल बढ़ रही है तो मूवमेंट स्पीड तो देखो इसकी नहीं बढ़ती, तो हम थोड़ी सी हेल्थ ही बढ़ा लेते हैं यार अभी हाल फिलहाल। तो गाइस मैंने इसे थोड़ा बहुत लेवल अप कर लिया है, और बहुत टाइम लगा मुझे इसे करने में, 1000 के आसपास मैंने किया था, अभी और हो गया थोड़ा सा। लेकिन गाइस यार वो जो इसका मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पर, अभी भी इसका सर्च किया तो इसका एक जेट मोड, मतलब जेट मोड और होता है ये, देखो आप ये पीछे जेट लगा हुआ है इसके, आई डोंट नो गाइस क्यों काम नहीं कर रहा है ये जेट मोड होता है, मतलब बहुत स्पीड से ये फ्लाई करता है, पता नहीं यार मेरे में क्यों फ्लाई नहीं कर रहा है यार, क्या प्रॉब्लम है। देखो मैंने फ्यूल भी इस पर डाल ही दिया है और सब कुछ सही है वैसे तो, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है ये। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और हम कोशिश करेंगे कि उस एपिसोड में इसको थोड़ा सा समझ लें कि भाई इसका क्या है सिस्टम, और कोई अच्छे नए डायनोस टेम कर लें। और हाँ मैं आपको मैं सोच रहा हूँ कि कुछ वाइवंस और हम टेम करेंगे, मतलब मैं ऑफलाइन जाकर कुछ वाइवंस को और टेम कर लूँगा, तो फिर हम सीधे ना बीटा वाले फाइट पर चलेंगे बॉस की, उससे हमें क्या क्या मिलता है। देखो अल्फा वाली तो अभी हम कर नहीं पाएंगे, पक्की बात है, सही बात है वो तो, पर बीटा वाली हम कर सकते हैं शायद इनकी मदद से, मतलब ये भी अच्छा खासा करेज दे देंगे। तो ठीक है गाइस, फिर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस।